जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उनका अंतर्मन इस अमानवीय कृत्य को देखकर देश को स्वतंत्र कराने की सोचने लगा। उनका जीवन संघर्ष से परिपूर्ण था। इतिहास में गूंजता एक नाम है भगत सिंह। शेर की दहाड़ सा जोश था जिनमें, वो शान थे भगत सिंह। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे भगत सिंह। आज भी रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचारों के धनी इंसान थे भगत सिंह। वे एक सकुशल लेखक भी थे। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा है मेरा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम आवर टीम टू परफॉर्म भगत सिंह एट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, एक ऐसा वतन जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जहां इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना हो। ये बात मुसम्बो, हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म भाषाएं जातियां कल्चर्स हैं, उन्हें एक साथ जोड़ा रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम आज इस बात को नहीं समझेंगे, इस मसले को लेकर संघर्ष नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा लेकिन भ्रष्ट शोषण और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉम्रेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन और ये हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक अन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक अन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहाँ जो भी